गुड मॉर्निंग टू ऑल, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाई फाई स्टडी विथ नंदिनी। मैं हूं नंदिनी सिंह और फिर से हाजिर हूं आप सबके बीच में अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास को लेकर। आज है 17 अप्रैल और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मॉर्निंग के थॉट के बारे में और इसके बाद हम धीरे धीरे अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि परिस्थितियां तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। यानी कि परिस्थितियों के आगे, अपने कंडीशंस के आगे झुकना नहीं है, उसको स्वीकार करें, उससे लड़िए और परिस्थितियों को बदलने का हौसला रखिए, साहस दिखाइए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहने की कोशिश करिए, क्योंकि कोशिशें परिस्थितियों को बदल देती हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। इसी के साथ में मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, जो हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस बार भी 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, इस बार जो 2023 की थीम है वो क्या है? तो सभी के लिए पहुंच, देखभाल के वैश्विक मानक के रूप में रक्त स्राव की रोकथाम इस थीम के साथ मनाया जाएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक थे फ्रैंक कैनविल, उनके बर्थ एनिवर्सरी पर ही, उनके बर्थडे पर ही हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, जिसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी? तो 1989 में करी गई थी। अगर हीमोफीलिया के बारे में बात करें तो ये इतनी बात हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में जो ब्लड क्लॉट जमते हैं, तो हीमोफीलिया जिसको होता है उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, यानी जो रक्त का थक्का जमता है वो नहीं जमता है। ये एक जेनेटिक डिजीज है जिससे अधिकतर जो मेल है वो सफर करते हैं और फीमेल्स इसको कैरी करती हैं। साथ में आपको बता दें कि जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसके द्वारा ही जो हमारे क्लॉटिंग होती है ब्लड की, वो डिसाइड करी जाती है। तो इस डिजीज में क्या होता है कि ब्लड का जो क्लॉट है वो जमता ही नहीं है, यानी क्लॉटिंग होती ही नहीं है। अच्छा, कुछ टाइम पहले मैंने आपको ये न्यूज़ पढ़ाई थी कि डॉक्टर अप्पा साहब जो धर्माधिकारी हैं उनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। अब ये जो पुरस्कार है, ये जो प्राइज है, ये जो अवार्ड है, इनको प्रदान कर दिया गया है महाराष्ट्र के रायगढ़ में 16 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। और ये जो मौका था, इस समय महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, वो भी उपस्थित थे, और उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं देवेंद्र फडणवीस, वो भी उपस्थित थे। डॉक्टर अप्पा साहब धर्माधिकारी के बारे में बात करें तो ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं। इनके पिता का नाम नाना साहब धर्माधिकारी है और इन्होंने एक फाउंडेशन खोला है जिसका नाम है नाना साहब धर्माधिकारी फाउंडेशन, रेवदंडा में इसकी स्थापना करी है, ठीक है ना। और इस फाउंडेशन के माध्यम से ये बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, रक्तदान शिविर लगाते हैं, नशा मुक्ति के लिए काम करते हैं, सफाई के लिए काम करते हैं, वृक्षारोपण करवाते हैं जिससे कि पर्यावरण संरक्षण भी हो सके, एजुकेशन के फील्ड में भी ये काफी ज्यादा काम करते हैं, यानी समाज के कल्याण के ऊपर काफी ज्यादा इनका फोकस रहता है। तो इसी वजह से इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, महाराष्ट्र भूषण। और साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि 2015 से लेकर 2021 के बीच में इन्होंने 36,61,611 पेड़ भी लगवाए हैं, यानी वृक्षारोपण भी करा गया है जलवायु परिवर्तन और तापमान पर पड़ने वाले प्रभाव को रोकने के लिए। धर्माधिकारी के बारे में बात करें तो इनको कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। हम देखते हैं कि उनको कौन कौन से पुरस्कार पहले भी प्राप्त हो चुके हैं। तो भारत का जो नागरिक सम्मान है, जिसको हम बोलते हैं पद्मश्री, उससे भी इनको नवाजा गया है 2017 में। साथ में ही इनको यूरोपियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा लिविंग लीजेंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि इनको यहाँ के जो पूरे पूर्व राज्यपाल थे महाराष्ट्र के, जिनका नाम था विद्यासागर राव, उनके द्वारा राज्य का स्वच्छता दूत नियुक्त करा गया था। और इसी फील्ड में हम देख रहे हैं कि इनके काम की वजह से ही 16 अप्रैल को इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। डॉक्टर अप्पा साहब धर्माधिकारी वाज अवार्डेड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2022। इन 2017 द सेंट्रल गवर्नमेंट कन्फर्ड द सिविलियन ऑनर ऑफ पद्मश्री। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर में, यानी
कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पर पहला एम्स का उद्घाटन कर दिया गया है गुवाहाटी के पास चांगसारी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 अप्रैल को ऐसा करा गया है। साथ में ही आईआईटी गुवाहाटी में असम एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की भी आधारशिला रखी गई है और साथ में ही असम में ही 3 मेडिकल कॉलेजों की भी घोषणा करी गई है, नलबाड़ी में, नागांव में और कोकराझार में। इसके अलावा ये जो एम्स है इसमें 100 स्टूडेंट जो है एडमिशन ले सकते हैं। साथ में ही एक योजना शुरू करी गई है, स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करी गई है, जिसमें क्या कराया जाएगा, जिसमें 11 मिलियन लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष यानी पर ईयर 5 लाख रुपए का मुफ्त चिकित्सा उपचार भी प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 स्टेट हैं: अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भूटान से, चाइना से, म्यांमार से और बांग्लादेश से। ठीक है, 2000 किलोमीटर का लगभग इनका एरिया है, यानी 2000 किलोमीटर की लेंथ हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास बांग्लादेश से। वहां की राजधानी ढाका का तापमान जो है 40.4 डिग्री सेल्सियस हो गया था 15 अप्रैल को, और 58 साल के बाद ये सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा है वहां का। इसके पहले भी 1965 में यहां का जो तापमान है वो कितना हो गया था, 42 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दिल्ली में दूसरी भारत पेरू संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित करी गई है 15 अप्रैल को, और इसके साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत और पेरू के बीच में जो राजनयिक संबंध है, जो कूटनीतिक संबंध है, उसके 60 साल कंप्लीट होने वाले हैं और इसी के उपलक्ष में ही बहुत सारे कार्यक्रमों का कार्यक्रमों की श्रृंखलाओं को आयोजित करने की बात कही गई है। दोनों मिलकर इस राजनीतिक संबंध को सेलिब्रेट करेंगे और इसके लिए व्यापार, सांस्कृतिक, एजुकेशनल जो कार्यक्रम है वो दोनों देशों के द्वारा कराया जाएगा। भारत की तरफ से जो विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं पहले सौरभ कुमार वो थे, और पेरू की तरफ से विदेश मामलों के उपमंत्री रहे हैं इग्नासियो हिगुएरस, उन्होंने ये बैठक की अध्यक्षता करी थी। यानी आपस में सहयोग को बढ़ाने के लिए, आपस में पारस्परिक हितों के लिए बात करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन करा गया था नई दिल्ली में 15 अप्रैल को। पेरू के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, पेरू जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसका एक देश है, जो बॉर्डर शेयर कर रहा है इक्वाडोर से, कोलंबिया से, ब्राजील से और बोलोविया से और चिली से। ठीक है ना, और साथ में ही ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद अर्जेंटीना आता है और थर्ड नंबर पर आता है पेरू। ओके, और साथ में आपको मैं ये बता दूं कि जो वर्षा वन जिसको हम अमेज़न बोलते हैं वो पेरू में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और लगभग पेरू के आधे हिस्से में आपको देखने को मिलेंगे। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा है। राष्ट्रपति यहाँ के दीना बोलुआर्टे हैं। मुद्रा यहाँ पर न्यूगो सोल मिलेगी आपको। राजभाषा यहाँ पर स्पेनिश और क्वेशुआ मिलेगा। देखिए 17 अप्रैल से तीनों सेनाओं के कमांडरों का एक सम्मेलन आयोजित करा जा रहा है। 17 से 21 अप्रैल तक चलेगा ये। अच्छा, ये हाइब्रिड फॉर्म में आयोजित किया जाएगा। हाइब्रिड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ये जो मीटिंग होगी वो डिजिटली होगी, है ना, एक जगह मिलकर नहीं होगी, डिजिटली प्रारूप में होगी, जिसको 19 अप्रैल को राजनाथ सिंह के द्वारा, या हमारे राजनाथ सिंह कौन है तो हमारे रक्षा मंत्री है, उनके द्वारा इस सम्मेलन को संबोधित भी किया जाएगा। अच्छा, ये जो मीटिंग हो रही है तीनों सेनाओं के कमांडरों का, तो इसमें किस बारे में बात की जाएगी, तो स्पेशली 2023 के लिए क्या विजन है सेना का और इसके पहले क्या क्या कोशिशें करी गई हैं, डिजिटलीकरण हो रहा है उसके ऊपर बात की जाएगी सेना का, और जो अग्निपथ योजना है उसके बारे में बात की जाएगी, बजट से रिलेटेड मतलब रक्षा मंत्रालय को जो भी बजट दिया गया है उसके बारे में भी बात करी जाएगी। द फर्स्ट आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस यानी ACC जिसको हम बोलते हैं फॉर द ईयर 2023 विल बी हेल्ड इन हाइब्रिड फॉर्मेट ऑन 17 अप्रैल, जिसके बारे में हमने बात करी है, और ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 2023 के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, यानी फोकस किया गया है।
साथ ही जो सिक्योरिटी है इंडिया की, उसके ऊपर किस तरीके से हम उसको बढ़ा सकते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कोशिशें करनी बाकी है, कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी पॉलिसी लानी बाकी है, उन सब के ऊपर बात करी जाएगी इस हाइब्रिड जो सम्मेलन हो रहा है इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज इज ऑर्गेनाइजिंग नेशनल पंचायत अवार्ड वीक फ्रॉम 17 अप्रैल टू 31 अप्रैल 2023। यानी एक अवार्ड वीक मनाया जा रहा है। किसके तहत मनाया जा रहा है? तो आजादी का अमृत महोत्सव 2.0 के तहत मनाया जा रहा है, और जो एटीट्यूड रखा गया है वो संपूर्ण समाज और संपूर्ण सरकार रखा गया है। साथ में मैं बता दूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उसने ये बोला है कि पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव है ये। यानी ये जो आयोजन किया जा रहा है ये पंचायतों की संकल्पों की सिद्धि का उत्सव है, जिसके अवसर पर उन पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा जिन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, श्रेष्ठ काम करा है। साथ में ही एक माहौल क्रिएट कराया जाएगा जहां पर पंचायतें एक दूसरे से मिलेंगी, एक दूसरे के कामों की सराहना करेंगी और एक दूसरे से सीखने का भी काम करेंगी। देखिए, पंचायती राज के द्वारा ये भी बोला गया है कि लगभग 1500 प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं इस कॉन्फ्रेंस में। G20 से रिलेटेड न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, G20 का जो स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक है वो गोवा में आयोजित करी जाएगी 17 से 19 अप्रैल के बीच में, जिसमें 180 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। और इसी तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तरफ से कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के ऊपर G20 का जो कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक है वो 17 से 19 अप्रैल के बीच में बनारस में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी, जिसमें 80 विदेशी प्रतिनिधि इस 3 दिवसीय जो बैठक है उसमें भाग ले सकते हैं। द सेकेंड हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर कराई जा रही है? तो ये कराई जा रही है गोवा में, और साथ में ही जो एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट हैं उनकी जो मीटिंग है वो कहाँ पर कराई जा रही है? तो ये कराई जाएगी वाराणसी में। देखिए, अब हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के बारे में, क्योंकि 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे को 170 साल पूरे हो गए हैं। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी। और आपको मैं बता दूं कि पहली जो ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई के बोरी बंदर से महाराष्ट्र में ठाणे तक चली थी। 34 किलोमीटर की यात्रा तय करी गई थी। पहली ट्रेन में 14 लकड़ी के डिब्बे थे और 400 यात्री सवार थे। अच्छा, अब इसके स्टार्टिंग के बारे में जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1844 में भारत में रेल प्रणाली है, यानी जो रेल सिस्टम है उसको स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। 1844 की बात हो रही है। 1845 में 2 कंपनियों का गठन किया गया, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। तो जो पहली रेलगाड़ी थी, जो पहली ट्रेन थी, वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के माध्यम से ही चलाई गई थी। और साथ में ही 3 इंजन लगे थे इसमें, साहिब, सिंधु और सुल्तान। साहिब, सिंध और सुल्तान नाम से 3 इंजन लगे थे, जिन्होंने 3:35 दोपहर के समय पर अपनी यात्रा की शुरुआत करी थी। और साथ में आपको मैं बता दूं कि इस समय 21 तोपों की सलामी भी दी गई थी, जब पहली भारतीय रेल चलाई गई थी भारत में। इसी तरीके से भारतीय रेलवे का विस्तार होता रहा, और जब दूसरी बार भारतीय रेलवे स्टार्ट की गई तो वो हावड़ा और हुगली के बीच में चलाई गई 39 किलोमीटर के रूट पर, ठीक है। और इसके बाद जो है 19 अक्टूबर 1875 को दक्षिण जो मद्रास प्रेसिडेंसी है वहां के वायसराय पांडी और बालाजाह रोड के बीच में चलाई गई 39 किलोमीटर की यात्रा तय कराई गई थी। और आपको मैं बता दूं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर भारतीय रेलवे के बारे में बात करें तो 8,500 से अधिक रेलवे स्टेशन हैं जो भारत के छोटे से कस्बे, गांव, जिले, क्षेत्रों को, शहरों को जोड़ने का काम करते हैं। और इसके अलावा भारतीय रेलवे 29 प्रकार की ट्रेनों का संचालन करती है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो ये 29 प्रकार की ट्रेनें हैं, इसमें से 12,167 पैसेंजर ट्रेनें हैं और 7,349 मालगाड़ी ट्रेनें हैं, और रोजाना 23 मिलियन यात्री ट्रेन से यात्रा करते हैं।
अभी जो भारत में हम सबको रिसेंटली में पता है कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो भारत में अभी 10 से ज्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस भी आ गई हैं, जिसकी स्पीड कितनी है, तो अधिकतम स्पीड है इसकी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम देखते हैं कि जो भारतीय रेलवे का बजट है वो किस तरीके का बनाया गया है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछली बार जो भारतीय रेलवे का बजट था 22 और 23 के लिए, वो 1.40 लाख करोड़ था। और अभी क्या है, अभी का जो बजट है वो 2.40 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है सेशन 2023 और 24 के लिए, जो अभी तक का रेलवे का सबसे अधिक बजट है ना। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे रेल मंत्रालय की तरफ से ये भी बोला गया है कि रेलवे पर 75% की बढ़ोतरी की गई है बजट की दिशा में। देखिए, अब जो हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे की उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत के जो भारतीय रेलवे है उसके कुछ विश्व धरोहर स्थल हैं, चार विश्व धरोहर स्थल हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, और कालका शिमला रेलवे है, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई। इन ये सारे यूनेस्को की जो विश्व धरोहर लिस्ट है उसमें शामिल है। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है और नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, ये स्पेशली स्टीम लोकोमोटिव की वजह से जो जो दृश्य क्रिएट होता है और जो ध्वनि निकलती है उसकी वजह से ही इसको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है या जो विश्व धरोहर लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। इस सेशन में इतना ही। जैसा कि आप सबको पता है कि जो भी कंटेंट है उसको टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर दिया जाता है, तो वहां से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। हम सबको पता है कि संडे की वजह से ट्यूज थोड़ी कम होती है, लेकिन जो कुछ भी रहती है मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप सबके सामने लेकर आऊं। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, चैनल को प्लीज लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद, बेल आइकन प्रेस करने के बाद में जो भी नोटिफिकेशन होगी, जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, कल फिर इसी प्लेटफॉर्म पर मुलाकात होगी इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, गुड डे।